गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। कौन सी मात्रा लगाकर? बड़े ई की मात्रा लगाकर शब्द देखे हुए ई शब्द को ई की मात्रा लगाकर पूरी करना है। अभी यहाँ पे लिखा है मॉल, हम मॉल बोलते क्या? नो, क्या बोलना है? म को ई की मात्रा मी ल, यहाँ पे मॉल देखो ऐसे लिखा है, ठीक है। हम ये मल बोलते हैं क्या? नो, म को ई की मात्रा मी ल। कौन सा शब्द पे मात्रा है? म पे मात्रा है। फिर दूसरा है झल, क्या है? झल, हम झल बोलते क्या? नो, क्या बोलना है? जी ल, क्या बोलना है? जी ल। तो यहाँ पे ऐसी लाइन देना है और इधर ऐसी मात्रा लगाना है, मतलब झ को ई की मात्रा जी ल। ये झ शब्द पे आपको ई की मात्रा लगानी है। कौन सी मात्रा? ई की मात्रा। फिर है शत, हम शत बोलते क्या? नो, शीत, शीत यानी ठंडा, क्या बोलना है? शीत। फिर है नर, हम नर बोलते क्या? नो, क्या बोलना है? न र ऐसे है तो क्या बोलना है? ना री, क्या बोलना है? ना री। फिर गत, गत बोलते क्या हम? नो, क्या बोलना है? गी त, ग को ई की मात्रा गी त। फिर रान, रान बोलते क्या हम? नो, क्या लिखना है? रानी। कौन से शब्द पे मात्रा लिखना है? न शब्द पे मात्रा हमें लिखना है। मी ल, झ को ई की मात्रा जी ल, श को ई की मात्रा शीत, न को आ की मात्रा ना, र को ई की मात्रा री नारी, ग को ई की मात्रा गीत गीत, र को आ की मात्रा रा, न को ई की मात्रा नी रानी। स्टूडेंट्स, आपको ये अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और सेम यहाँ पे होमवर्क इधर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? थैंक यू।